नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्नेटर से हूं। आज मैं आपके सामने इनफोकस की जो ये नई डिवाइस है वो लेके आया हूं। इसका नाम बिंगो 10 है। इस डिवाइस की जो मेन यूएसपी ये है कि ये आपको एंड्रॉयड एम पे चलती है, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 6.0 या फिर आप इसको एंड्रॉयड मार्शमैलो के नाम से जानते हो, तो ये डिवाइस आपको एंड्रॉयड के मार्शमैलो पे चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो आपको 4,299 रुपये, यानी ये आपको 4,500 रुपये से भी कम है। और एक और बात जो मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि इसका जो बैक कैमरा और जो इसका जो फ्रंट कैमरा है दोनों आपको 5 मेगापिक्सल का है। और एक और अच्छी बात है कि फ्रंट में भी इसके फ्लैश है, आप देख सकते हो यहाँ फ्लैश, और बैक में भी यहाँ पे ये फ्लैश है। तो ये आपको इस डिवाइस की 3 खासियत थी। एक कि ये आपको ये मार्शमैलो पे चलता है, दूसरा इसकी प्राइसिंग आपको 4,500 से भी कम की है, और तीसरी ये कि इसका जो फ्रंट और बैक दोनों कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का है, जो कि फ्लैश के साथ आता है। इसके अलावा ये जो फोन है वो आपको 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो ये जो हम जो रिव्यू कर रहे हैं फोन, ये व्हाइट कलर की है, और आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर पे ये आपको ग्रीन कलर की ये पट्टी लगी है, यानी रिम है, ये ग्रीन कलर की रिम है। और जो ब्लैक कलर का फोन है वो ये पूरा जो बैक कवर है वो ब्लैक है उसका, लेकिन ये जो रिम है उसकी वो आपको ब्लू है। तो ये 2 वेरिएंट भी ये फोन अवेलेबल है। इसके अलावा जो इसके जो अदर फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूं। इसके जो स्क्रीन साइज है वो आपको 4.5 इंच का है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो आपको MT6580M है, जो कि क्वाड कोर 1.3 GHz प्रोसेसर पे चलता है। बैटरी जो है वो आपको 2000 mAh की है, जो कि एक रिमूवेबल बैटरी, मैं अभी ये बैक पैनल ओपन करके दिखाऊंगा। और जो ये फोन है वो आपको डुअल सिम फोन है, तो अब इसके बैक पैनल को हम ओपन करते हैं। ये देखिए, ये बैटरी है जिसको कि आप आराम से आप रिमूव कर सकते हो। ये देखो, ये रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा ये 2 स्लॉट्स हैं, सिम स्लॉट। ये अब इसको हम फिक्स करते हैं ऐसे। अब हम इसके चेक करते हैं कि इसके डिजाइनिंग के बारे में, अब हम इसको चेक करते हैं। इस डिवाइस के ठीक ऊपर यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक है, और इसके ठीक बगल में ये चार्जिंग पोर्ट एरिया है। इस डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं, और राइट हैंड साइड पे ये आपको पावर बटन और उसके ठीक नीचे वॉल्यूम रॉकर की है। इस डिवाइस के नीचे आप देख सकते हो कुछ नहीं है। इस डिवाइस के पीछे साइड ठीक नीचे ये आपको स्पीकर है, ये आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा विद फ्लैश आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको इनफोकस की ब्रांडिंग की गई है, आप देख सकते हो इनफोकस की ब्रांडिंग। ये देखिए, इनफोकस की ब्रांडिंग की है। अब हम इस फोन को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट लुक है यहां से। और हम चूंकि ये आपको एंड्रॉयड मार्शमैलो पे ये डिवाइस चलती है, तो हम इसके सेटिंग एरिया के अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या क्या है। सबसे ऊपर ये देखिए, आपको वाईफाई है, ब्लूटूथ, डेटा यूजेज, थिएटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, सिम कार्ड, एयरप्लेन एंड मोर, एप्स, डिस्प्ले, साउंड, बैटरी, स्टोरेज एंड यूएसबी, मेमोरी, मोशन, डिफॉल्ट ऐप कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर, स्क्रीन लॉक, नोटिफिकेशन, लोकेशन, सिक्योरिटी, अकाउंट्स, बैकअप एंड रीसेट, गूगल, सॉफ्टवेयर अपडेट, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज एंड इनपुट, अबाउट फोन। ये देखिए, अबाउट फोन के अंदर ये एंड्रॉयड वर्जन 6.0, ये देखिए मार्शमैलो, ये देखिए मार्शमैलो है, इसके ऊपर ये गेम है। ये तो ये जो डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको एंड्रॉयड के वर्जन 6.0 पे रन करती है, जो कि एंड्रॉयड मार्शमैलो है, या फिर बहुत सारे लोग इसको एंड्रॉयड एम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें इस फोन के अंदर है, इसके सेटिंग्स के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो आप ऑन द टॉप आप देख सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर है, इसके ठीक बगल में आपको ये जो ऐप है इसका नाम बबल है, इस गैलरी, और ये गूगल के अंदर ये आपको वो सारे आपको स्टॉक एंड्रॉयड ऐप हैं, जैसे कि गूगल है, क्रोम है, जीमेल, मैप्स, यूट्यूब, ये सारे हैं। इसके अलावा इसके अंदर और जो हैं, यहाँ पे देखिए थीम है, आपको 1 टैब बूस्ट, जिससे कि आप इसकी जो भी आपको मेमोरी को आप क्लीन कर सकते हो, 1 टाइम क्लीन करके देख सकते हो कि यहाँ पे, और इसने क्लीन करके जितने भी डेटा को क्लीन किया वो यहाँ पे दिया। इसके अलावा ये मैनेजर के अंदर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऐप हैं। ये देखिए, इसके अंदर आपको मोबाइल असिस्टेंट है, पावर
पावर डिटेक्टिव है, बैकअप टूल और ऐप ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारे चीजें हैं मैनेजर के अंदर। इसके अलावा क्लॉक है, वेदर फोरकास्ट है और आपको फाइल मैनेजर है, ये सारी चीजें हैं। अब हम इसके नोटिफिकेशन में चेक करते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉयड एम है और इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, साउंड है, जीपीएस है, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस, एयरप्लेन मोड, हॉटस्पॉट, सिंक, पोर्ट्रेट, पावर सेवर, टॉर्च, स्क्रीन कैप्चर और डू नॉट डिस्टर्ब। यानी अगर आपको स्क्रीन कैप्चर करना तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी, जैसे कि अभी स्क्रीन कैप्चर हुई। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी क्या बात है जो मैं आपको मैं बताता चलूं, कि अगर आप चाहते हो कि ये स्क्रीन कैप्चर इस जगह आ जाए तो आपको बस इसको, ये देखिए ये तो स्क्रीन कैप्चर हुई। अगर आप चाहते हो कि जैसे ये स्क्रीन कैप्चर है इसको आप मोबाइल डेटा की जगह आपको इसको सेट करना है, तो इसको भी आप काफी इजीली यहीं से कर सकते हो। इसके लिए आपको ये जो टैब है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो गियर आइकन है इसके ठीक बगल में और बैटरी के ठीक बगल में ये जो बीच में है ये आइकन, इसके ऊपर आप क्लिक करो और आप देखो अब आपको यहाँ पे आपको देख रहे हो मैसेज दे रहा था कि ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसको यहाँ पे आप ऐसे उठाओ और यहाँ पे मैंने रख दिया देखो, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन कैप्चर वाईफाई के ठीक बगल में आ गया। मैं यहाँ पे डन करूंगा, तो ये काफी एक अच्छा फीचर है जिससे कि आप अपने जो भी नोटिफिकेशन एरिया में जिस भी चीज को आपको ऊपर रखना है आप रख सकते हो, अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो, तो एक अच्छा फीचर था। इसके अलावा अब हम इसके कैमरे के अंदर जाके चेक करते हैं कि इसकी सेटिंग्स और मोड्स कौन कौन से हैं। कैमरे के अंदर सबसे पहले हम मोड चेक करते हैं। कैमरे के अंदर ये तीन मोड है, नॉर्मल मोड, फेस ब्यूटी मोड और पैनारोमा मोड। और हम सेटिंग्स के अंदर देखते हैं, सेटिंग्स के अंदर आपको जीपीएस लोकेशन इन्फो, एक्सपोजर, कलर इफेक्ट, सीन मोड, वाइट बैलेंस, इमेज प्रॉपर्टी, एंटी फ्लिकर, वॉल्यूम की, और फोटो के अंदर ये जो है टैप के अंदर ये आपको जीरो शटर डिले है, वॉइस कैप्चर है, फेस डिटेक्शन है, जेस्चर शॉट है, स्माइल शॉट है, पिक्चर साइज, आईएसओ, प्रीव्यू साइज, और वीडियो के अंदर आप देखिए ईआईएस है, माइक्रोफोन है, ऑडियो मोड है, टाइम लैप्स है, वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी के अंदर देखिए लो, मीडियम, हाई, फाइन, ये सारे मोड्स हैं। और इसके अंदर पिक्चर साइज के अंदर देखिए आपको जो पिक्सल्स चल रहे हैं वो आपको 1.3 मेगापिक्सल से आपको 5 मेगापिक्सल तक है, यानी आप इस हिसाब से इसको आप कर सकते हो। अब इसको हम बैक करते हैं। रिव्यू के टाइम पे हमने कुछ इमेज भी ली थी, उसकी फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप एक देख सकते हो। फोटो की जो क्वालिटी है, चूंकि ये जो फोन है आपको लो प्राइस सेगमेंट का फोन है, और ओवरऑल फोटो आप देख सकते हो ठीक है, एवरेज मैं बोल सकता हूं, ना ज्यादा खराब है ना ज्यादा अच्छा, ये भी फोटो आप देख सकते हो, ओवरऑल फोटो की क्वालिटी ठीक है, बट एटलीस्ट 4300 मीन्स 4300 रुपए में आप एक फोन के अंदर सब कुछ नहीं पा सकते हो, तो उस हिसाब से लो प्राइस सेगमेंट में। और एक और बात मैं बताता चलूं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, अब काफी हेवी मटेरियल से इस फोन को यूज किया गया है, तो ओवरऑल फिनिशिंग के मामले में भी ये फोन काफी मुझे सही लगा। इसके अलावा आप देख सकते हो चारों तरफ से इसकी जो एजेज हैं वो राउंड शेप में है, ये देखिए। तो दोस्तों ये मेरा आपको इनफोकस कि जो ये डिवाइस बिंगो 10 है इसका रिव्यू अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो चैनल टेक्निटर है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो और टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। सायनोरा, टेक केयर, थैंक यू।